बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व असहाबिही व बारिक व सल्लम अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आप लोगों को अपनी इस वीडियो में बहुत ही खूबसूरत वजीफा बताऊंगी, जो कि बहुत ही छोटा सा है लेकिन उसके फ़वाद बेशुमार हैं। और ये वजीफ़ा हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ है। तो आप खुद सोचिए कि जो बात हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हो उसमें किस कदर तासीर होगी। बस हमें पूरे यकीन और कामिल ईमान के साथ इसको करना है, क्योंकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई छोटी सी बात भी बहुत मायने रखती है, और उनकी हर छोटी से छोटी बात तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए बहुत बड़ी होती है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत से बेपनाह प्यार किया है और ता हयात अपनी ज़िंदगी में उम्मत के लिए ही दुआएं मांगते रहे हैं, यहाँ तक के आखिरी लम्हात में भी वो अपनी उम्मत को याद करते रहे। तो वो अपनी उम्मत के लिए बहुत सारी आसानियाँ भी लेकर आए हैं। जिस तरह आजकल का इंसान किसी न किसी वजह से परेशान है और किसी न किसी मुसीबत में फंसा हुआ है, तो अगर हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस पे अमल करते हुए अपनी ज़िंदगी को उनके अहकामात के मुताबिक गुजारते हैं और उनके बताए हुए अहकामात पर अमल पैरा होते हैं, तो इंशाल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी में से मुसीबतें और परेशानियां ऐसे दूर हो जाएंगी जैसे कभी थी ही नहीं। ये वजीफ़ा बहुत ही छोटा है और बहुत ही आसान है, और प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी उम्मत के लिए एक तोहफ़ा है, जो कि हर किस्म की निजात और हर किस्म की मुसीबत से आपकी हिफाजत करता है और आपको हर किस्म की मुसीबत और परेशानी से बाहर निकालता है। और अगर हम इसको अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ले आते हैं तो यकीनन हमारी ज़िंदगी में से मुसीबतें और मुश्किलात गायब हो जाएंगी। बस हमारा यकीन और हमारा तवक्कल कामिल होना चाहिए। वो वजीफ़ा क्या है और हमें क्या करना है कि हम खुद को मुसीबतों से बचा कर रखें, चलिए मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ। हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास सुबह शाम तीन तीन मरतबा पढ़ो, ये तुम्हें हर मुसीबत की चीज़ से कफायत कर जाएंगी। अबू दाऊद हदीस नंबर 5082। सुभान अल्लाह। बहुत ही छोटा वजीफ़ा है, इसको करने में हमारा कोई ज़्यादा टाइम नहीं होगा। बस ये है कि हमें सुबह शाम तीन तीन मरतबा इसको पढ़ना है, जिसको पढ़ने में तकरीबन हमारे 5 मिनट लगेंगे। इसीलिए अगर आप लोग अपनी ज़िंदगी को आसान बनाना चाहते हैं और मुसीबतों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो पूरे यकीन के साथ अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात पर अमल करिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको कुछ ही दिनों में इसके असरात नज़र आ जाएंगे, क्योंकि अल्लाह पाक के कलाम में बहुत ही ज़्यादा बरकत है। अगर हम किसी भी मुसीबत में हों तो हम अल्लाह को याद करें तो वो हमारी सुनता है और हमारी मदद के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करता है। लेकिन हम लोगों ने खुद को इस कदर उससे गाफिल कर लिया है, इस कदर उससे खुद को दूर कर लिया है, जो कि हमारे लिए ही तमाम मुश्किलात का बाइस है। ज़ाहिर है अल्लाह पाक को तो हमारे दूर होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क तो हमें पड़ता है ना, क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत है, उसको हमारी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। वो बेनियाज है, वो कुल कायनात का मालिक है, और अगर हम उसकी तरफ पलटते हैं तो वो हमें हर हाल में कबूल करता है। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आपकी नीयत और आपका दिल बिल्कुल पाक और साफ़ होना चाहिए। ये नहीं है कि हम सिर्फ़ अपने मसाइल में ही अल्लाह को याद करें, वो तो इस कदर बेनियाज है कि अगर आप अपने मसाइल में भी उसको याद करते हैं तो वो तब भी आपको देता है। लेकिन इंसान है कि वो समझता ही नहीं। हम लोगों ने अपनी ज़िंदगियों को जंग लगा लिया हुआ है, हम अपने आप को पता नहीं कहाँ लेकर जा रहे हैं, और इन मुसीबतों और इन मुश्किलात ने हम सबको घेर रखा है। अल्लाह से दुआ है कि वो आप सबकी मुश्किलात और मुसीबतें दूर फरमाए, अपने प्यारे हबीब के सदक़े में, अपने पाक कलाम के सदक़े में,
اور ہر ان نیک اعمال کے صدقے میں جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کیا کرتے تھے۔ آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ اس کو ضرور کریے گا، اور آپ لوگ یہ کر کے اپنے اوپر بھی دم کر سکتے ہیں اور اپنے بچوں وغیرہ پر بھی پڑھ کے دم کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ بچے اسکول جاتے ہیں تو آپ اسکول جانے سے پہلے اگر اس نیت کے ساتھ کہ وہ ہر طرح کی مصیبت سے محفوظ رہیں تو آپ اس نیت سے پڑھ کر ان پر بھی دم کر سکتی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہمارے نبی کا کہا ہوا اٹل ہے اور وہ اس دن ہر طرح کی مصیبت سے محفوظ رہے گا۔ اور یہ مصیبتیں ہی تو ہوتی ہیں کہ جو کسی نہ کسی صورت میں انسان کی زندگی کو کٹھن سے کٹھن تر بناتی چلی جاتی ہیں، اس لیے اپنی زندگی کو آسان بنائیں اور اس وظیفے کو ضرور کریے گا۔ بہت ہی چھوٹا ہے لیکن اس کے فوائد بہت ہی زیادہ ہیں، لیکن کرنے سے پہلے اپنا کامل یقین اور اپنا توکل قائم رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا نگہبان ہے اور ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور تمام امت مسلمہ کو اور کل کائنات کو ہر طرح کی مصیبت اور آفت سے اور ہر قسم کی پریشانی سے دور فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ آپ لوگوں سے التجا ہے کہ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو ہم جیسے گناہ گاروں کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کیا پتہ کس کی دعا کس کے حق میں قبول ہو جائے۔ اور آپ لوگوں سے ایک گزارش اور بھی ہے کہ اس طرح کی ویڈیوز کو لازمی اپنے فرینڈز اور فیملیز کے ساتھ شیئر کریے گا، کیونکہ یہ پوری دنیا پریشانی اور مصیبتوں سے بھری پڑی ہے۔ ہر انسان، ہر بچہ کسی نہ کسی لحاظ سے پریشان ہے، تو کیا پتہ یہ عمل کرنے سے کسی کی زندگی آسان ہو جائے یا کسی کی کوئی مصیبت دور ہو جائے اور بدلے میں اس کے ثواب میں ہم اور آپ سب شامل ہو جائیں۔ اس لیے ویڈیو کو لازمی شیئر کر دیا کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔